ऐसा कहीं और इंडिया में जो किस्सा आया हो जिसने एकदम दिल दहला दिया हो एक किस्सा है आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था एक टाइम पे लॉकडाउन लगा था बट वो लॉकडाउन कोविड का नहीं था कोरोना का नहीं था वहाँ के लोगों ने पूरे गाँव को बांध लिया था ख़ुद से और ये चीज़ न्यूज़ में भी है कब की बात होगी ये मेरे ख्याल से दो हज़ार अठारह उन्नीस इक्कीस समथिंग कुछ की बात है जब उसका आर्टिकल ही यही था कि गाँव वालों ने पूरे गाँव को बांधा कोविड की वजह से नहीं इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि कोई इंसान को खाने वाला मैन ईटर फ्लैश ईटर कुछ ईवल जो है उस गांव में है आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है विनेलवा लासा गांव गांव का नाम तो बहुत अच्छा रखा है इन्होंने अब विनेलवा लासा गांव है जहां पर बताया जाता है कि इस गाँव में हुआ क्या था गाँव बहुत बड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है आंध्र प्रदेश में झोपड़ियाँ हैं कुछ अंदर जाके इस गाँव में होता क्या था जब रात के दौरान कोई इंसान जाया करता था घूमने के लिए या फिर किसी काम के लिए जंगल में से लकड़ियाँ लेने के लिए तो वो वापस नहीं आता था इस गांव में ऐसा हुआ बैक टू बैक इंसान गायब होने लगे पहले एक हुआ फिर दो फिर तीन फिर चार फिर इस गांव में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया गया कि भाई इस गांव में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है मतलब कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आत्माओं को देखा कुछ ऐसे प्रेतों को देखा जो आदमियों को खींच के ले जाते अपने साथ लोगों ने एक डिसीज़न लिया कि हम अपने गांव को लॉकडाउन कर लेंगे और ये पहला ऐसा गांव था इंडिया का जो सरकार के अगेंस्ट चला गया था इस पूरे गांव ने खुद को लॉकडाउन कर लिया और लॉकडाउन करने के बाद क्या हुआ था सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए सरकार वहाँ पर आई उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सरकारी दफ्तर तो खुलने दो सरकार को मना कर दिया था कि इस गाँव में घुसने की कोशिश मत करना कम से कम नहीं तो ऐसे काफ़ी सिद्ध लोगों को बुलाया गया पंडितों को बुलाया गया जिसने जिन्होंने इस गाँव के लिए पूजा पाठ किया और इस चीज़ को कन्फर्म करा कि इस गाँव में कुछ ऐसी शक्ति आई है जो काली शक्ति है जो इंसानों को ख़त्म कर रही है ये पूजा वहाँ पर कम से कम नहीं तो महीना भर चली उसके बाद धीरे धीरे सरकारी ऑफिस को खोला गया लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये चीज़ मुझे कंफर्म की कि भाई ऐसा हुआ था कि लोग बहुत सारे गायब हुए थे पर न्यूज़ में उस चीज़ को कवर नहीं करा गया ऐसा नहीं है सिर्फ चार लोग गायब हुए थे बहुत सारे लोग गायब हुए थे जानवर भी ऐसे बहुत सारे गायब हुए थे जो खेतों में हुआ करते थे गाय भैंस बकरी बहुत सारे गायब हुए थे और कुछ कहते हैं कि वहाँ पर कोई अर्बन लेजेंड था कुछ कहते हैं कोई एल, एलियन एक्टिविटी थी कुछ लोगों का मानना है कि वो धरती मनूस है उस जगह पर कुछ ना कुछ है कर्स है एक साइकिल वाले का वहाँ पे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वो इंसान जो था ना वो रात को ही निकलता था साइकिल लेकर और रात को ही वापस आता था तो हुआ क्या था जब वो ये सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था उस साइकिल वाले के साथ क्या हुआ था जब वो इंसान कुछ सामान लेने निकला तो वो वापस वापस अपने घर पर पहुँच ही नहीं पाया तो जब गाँव वाले ने उसे ढूँढना शुरू करा तो सिर्फ उसकी साइकिल मिली थी और साइकिल पर सिर्फ कुछ दाग थे जो रक्त के थे और वहाँ पर मतलब कुछ उंगलियां कुछ पैर कटे वटे जो थे वहाँ पर पड़े मिले थे और कुछ लंबे हाथ थे जो आम इंसान के नहीं हो सकते जैसे किसी चीज़ ने खुरेदा है मारा है उसके बाद काफ़ी टाइम तक एक महीने तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हल्ला-हुल्ला रहा था इस चीज़ का कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और फाइनली जाके एक डेढ़ महीने बाद पूजा पाठ के बाद उस गांव को पूरी तरीके से खोला गया था फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी वहाँ नोटिस करने वाला नहीं आया लेकिन न्यूज़ ने इसे कवर किया था कि बनेलबा अलासा जो गाँव है आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पर बहुत एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई थी और न्यूज़ ने बिल्कुल इसे कवर नहीं किया था एक किसी एक के दुख के चैनल ने करा लेकिन न्यूज़ इस चीज़ को कवर नहीं कर रही थी क्योंकि गाँव वालों ने सख्त मना किया था न्यूज़ चैनल्स को अंदर घुसने के लिए क्योंकि वो अपने गाँव में किसी ऐसी चीज़ का शिकार बनने नहीं देना चाहते थे कि गाँव बदनाम हो जाए कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि अपने गाँव को बदनाम करें तो उन्होंने कैसे ना कैसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया वो एन को उन्होंने जितना मेरे को लगता है कि वो जो एन थी उसे पक्का कैद कर लिया होगा पक्का पकड़ लिया होगा तभी एक डेढ़ महीने बाद सारी चीज़ें खुली अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी गांव की मान्यता ऐसी होगी जैसे आपने काला बंदर सुना था काला बंदर बिल्कुल काले बंदर का कितना खौफ आया था और एट द एंड कुछ पता नहीं चला कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बोल दिया इंसान का वहम था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान का वहम था इतने सारे लोगों को एक साथ वहम नहीं होगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है और मुझे याद है कि जैसे आस पड़ोस में बड़े सारे लोग थे जिनके साथ इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने बोला कि हमने उसे देखा है काला बंदर को देखा है सुबह के चार बजे देखा है रात के एकदम देर अंधेर में देखा है Uh, कई लोग ऐसे जिन्हें जिन्हें पता नहीं कि उन्होंने क्या देखा लेकिन उच, कुछ काला सा उन्हें झपट्टा मार के गया और उनके निशान हैं तो ये सब तो मेरी गली के किस्से हैं जो मुझे याद हैं बचपन से ही दिल्ली में ऐसा बहुत बहुत हुआ था एक टाइम पर जहाँ सुनने को आया था लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए छत से कुता भी लिया था बहुत नुकसान भी हुआ था काफ़ी छोटे थे हम तो बहुत डरा करते थे छत पर सोने में खास कर वो लाइट बहुत जाया करती थी उस टाइम पे बिल्कुल तो बहुत दिक्कत होती थी लेकिन फिर ठीक है जैसे जैसे बड़े हुए तो यार वन लेजेंड्स तो ख़त्म होते चले गए लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ है जैसे अभी बिहार में बहुत पॉपुलर एक चीज़ चल रही है कि एक साइको किलर है अब पता नहीं वो साइको किलर है क्या है बट बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं उस बिहार के अंदर जिस भी फीमेल को वो अकेला देख लेता है वो उसे मार देता है और वो जो मारते हैं वो साठ साल से सत्तर साल या पचास साल से सत्तर साल की औरत को मारते हैं मर्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है जवान बच्चियों से कोई नहीं लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है अगर उसे कोई पचास से सत्तर साल की औरत दिख गई जो गाँव में कुछ काम कर रही है लकड़ियाँ लेके आ रही है तो अभी तक कम से कम बिहार में बीस तीस औरतें उसने लुड़ लुड़का दिए ख़त्म कर दी और ऐसे किस्से होते हैं जो बैक टू बैक होते हैं mm -hmm. बट अब न्यूज़ आपको पता है न्यूज़ पहले वाली न्यूज़ रही नहीं अब सिर्फ यही सोशल मीडिया के बारे में बातें होती हैं ऐसी बातें होती नहीं जो बहुत अजीब तरीके से निकल के आती हैं तो उन्हें कवर किया नहीं जाता है काला बंदर और मून उचवा कहते हैं सेम है क्या क्या फ़र्क है काला बंदर और मून उचवा में देखो काला बंदर एक बंदर की शेप का था और मून उचवा एक स्पाइडर के शेप का था जितना यूपी के लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया 2002-2003 में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जहाँ पर बताते थे और कुछ लोगों ने क्लेम भी किया है क्लेम भी किया है कि उन्होंने कोई एक ऐसी एंटिटी को देखा है जिसके सात आठ हाथ पैर हैं और वो चल के आती थी और मुँह नुचवा मतलब मुंह नोचा जाता था वो जो एंटिटी थी वो सीधा अटैक किया करती थी उसका पूरी जो शेप थी वो स्पाइडर की थी कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल इस चीज़ को घोषित कर दिया था कि ये पक्का एलियन एक्टिविटी है जैसे काला बंदर को बोला गया वैसे ही मुह नुचवा को बोला गया कुछ लोगों ने यह भी फील किया कि जब वो सो रहे थे तो अचानक से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे किसी ने जनरेटर को चला दिया गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड हुआ करती थी बहुत ज़्यादा रोशनी निकला करती थी कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ खेत में जा रहे हैं पीछे से एकदम से आवाज़ आई उन्होंने पलट के देखा सीधा मुंह नुच गया सीधा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए और उसका कोई इलाज नहीं था अब ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में भी आती है कि आपने देखा होगा अगर किसी लोकेशन को मुझे कोई क्राइम का अड्डा बनाना है तो मैं उसे इस तरीके से पॉपुलर कर दूंगा कि वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट था जो खुले में हो रहा था आप रोक नहीं सकते और दिख नहीं रहा आप इमेजिन करो कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एंटिटी बस रात को दिन में बैठ के वेट कर रही है किसी खंडर के अंदर कि कल रात को मेरे को निकलना है और इतनों को मार के फिर मैं वापस आ जाऊँगा क्या उसे खुद को डर नहीं होगा इस चीज़ का कि जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो कितना कुछ हो सकता है मेरे साथ और ये सारी चीज़ें रात को ही हुआ करती थी दिन में कभी कुछ नहीं हुआ बिहार वाली एक्टिविटीज़ दिन में होती है कि वो औरतें ऐसे निपटी दिखती हैं बट जो ये मुँह वाली एक्टिविटी थी ये सारी ज़्यादातर रात को हुआ करती थी जहाँ पर ऐसा लगता था कि अचानक से कोई यू आई है उसने किसी चीज़ को ड्रॉप करा है उस वो इंसानों को अपने साथ खींच के ले जा रही है वहाँ पर बहुत काटा पीटी हो रही है और फिर ये अलग ही लेवल पे हो रहा था फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है जिस तरीके से ये हाइप बन के उड़ी उसी तरीके से ड्रॉप आई कि आज हो रहा है कल एकदम खत्म खत्म मतलब एक दिन ऐसा आया है कल यहाँ पर वो बैठ के बदला ले रहा था आज आज तो वो हो ही नहीं क्या हुआ कल उसकी बॉडी मिली थी कल रात को उसका खात्मा हो गया ऐसे ही मुंह एकदम से ट्रेंड आया गया काला बंदर का आया था गया, गया। किसी का अचानक से आता तो और अचानक से जाता है जैसे कोई एक हिडन सोसाइटी काम कर रही है और उसने एकदम से पत्ता काट दिया कि चलो आप सोसाइटी को पता नहीं चलने देना कि ये कब आया था कब, कब, कब चला गया जैसे एरिया 51 के बारे में आपने सुना होगा हाँ, एरिया 51 के बारे में सुना है उसमें क्या होता है अचानक से ये आता है यू गिरा था ये गिरा था और एरिया रिस्ट्रिक्टेड है नहीं जा सकते आप देखना कभी ना इसका ट्रेंड बनता है कि अचानक से एरिया फिफ्टी के बारे में सब कुछ एकदम से ट्रेंड में आता है एकदम से गिर जाता है मतलब जैसे कोई हिडन सोसाइटी काम कर रही है और एकदम से जो जो बोलने वाले हैं उनके चैनल पर स्ट्राइक मार दी कुछ कर दिया कर दिया और सीधा टॉपिक खत्म हो गया तो अर्बन लेजेंड्स का हमेशा यही हुआ है कि एकदम से बूम आए काला बंदर काला बंदर और ख़त्म काला बंदर और छुटिया आई वो काटने वाली चुड़ेल चुड़ेल खत्म हो गई चुड़ेल हाँ ये यार अक्सर ऐसे ही होता है ऐसे स्त्री में भी ऐसे ही हुआ नालेबा वाला जो किस्सा है आता है ट्रेंड आता है फिर एकदम से गायब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता भाई देखो नालेबा वाला जो सीन है ना वो तो आज भी वो गाँव है लेकिन काले बंदर का क्या सीन हुआ वो जो छुटिया काटने वाली थी उसका क्या सीन हुआ मोहन उचवा कहाँ गया पंडूबा कहाँ गया ये सारी एंटिटीज़ के अब कोई जिक्र नहीं है इसलिए इन्हें अर्बन लेजेंड बोला जाता है कि ये तो आए और गए और फिर कभी आएंगे तो देखा जाएगा लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जो छप गई जैसे भानगढ़ कुलधारा और ये सारी चीज़ें तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं किसी के साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा जिनके साथ हो रहा उनकी सुनते नहीं हैं <laughs> जिनके साथ नहीं हो रहा वो जानने को विचलित तो रहते, रहते हैं है। तो हम उनके लिए है ही बिल्कुल और बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इस इस पॉडकास्ट में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो जो जानने के लिए विचलित हैं उनके पास काफ़ी कहानियां हैं सुनने के लिए थैंक यू सो मच अक्षय आंखों देखी पर आने के लिए और हाँ ऐसे आई थिंक एक दो और पॉडकास्ट हम लोगों को करने पड़ेंगे काफ़ी सारे किस्से ऐसे भरे हुए हैं अक्षय ने अपने पास जमा करके है ना अगर जनता बताए बोलेगी तो हम आएंगे जनता तो बोलेगी जनता तो हम हमारी जनता बड़ी प्यारी है ऑडियंस बड़ी प्यारी है उनसे बस हॉरर स्टोरीज हर दिन चाहिए तो <laughs> तो फिर हम फिर हमारे पास आ सकते हैं फिर हमारे पास बिल्कुल अक्षय का चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर के नाम से आप बिल्कुल जाइए अक्षय बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताते हैं अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज को वो कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम पर भी करते हैं तो आप जरूर उन्हें फॉलो करिए अक्षय को थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे थैंक सिल जी